जय हिंद, जय भारत मित्रों, वेलकम टू तैयारी अप टू सक्सेस। आज के इस वीडियो में अपन कवर करने जा रहे हैं इंडियन हिस्ट्री को, और आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन सिलेबस। तो दोस्तों, आप चाहे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी या रेलवे की तैयारी कर रहे हो, हर एग्ज़ाम में हिस्ट्री से क्वेश्चन जो है 5 नंबर का पूछता है। तो यहाँ से आपको जो है 5 नंबर का जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल टकराएगा। आप देखते रहिए मेरे वीडियो को लास्ट तक। चलिए दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं अब इंडियन हिस्ट्री को। सबसे पहले बात करें वर्ल्ड हिस्ट्री की, हिस्ट्री शब्द की अपन अगर बात करें तो ये कहाँ से आया है। तो ये दोस्तों ग्रीक वर्ड है, ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है हिस्ट्री, ठीक है। इसी के नाम पर एक बुक लिखी गई, उसका नाम है हिस्टोरिका। बुक का क्या नाम है? हिस्टोरिका। और इस बुक के जो लेखक है वो कौन है? हेरोडोटस। क्या है बुक के लेखक? हेरोडोटस। हेरोडोटस ने ही एक बुक लिखी हिस्टोरिका, और इसी ने दोस्तों सबसे पहले इतिहास संबंधी, जिसका संबंध किससे है? हिस्टोरिका का हिस्ट्री से है। तो इसी ने हिस्टोरिका बुक लिखी। इसके लिए दोस्तों जो इतिहास का पिता बोला जाता है वही किसे बोला जाता है? यहीं से एक क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है कि इतिहास का पिता किसे बोला जाता है? तो हेरोडोटस को बोला जाता है। इतिहास का पिता किसे बोला जाता है? हेरोडोटस को बोला जाता है। ठीक, यहां तक समझ में आया। आगे बात करते हैं अब हिस्ट्री होती क्या है। तो दोस्तों आपको पता होगा हिस्ट्री होती क्या है, आप हिस्ट्री तो पढ़ते हैं लेकिन एक्चुअली हिस्ट्री होती क्या है, इसका अगर हिंदी वर्जन की बात करें तो इतिहास होता क्या है। ठीक है, इतिहास होता क्या है तो आपको मैं बता दूं कि इतिहास को अगर अपन इसका संधि विच्छेद करते हैं तो इसको लिख सकते हैं अपन इति धन हास। ठीक है, इति मतलब पास्ट का समय, पास्ट का समय जो बीत गया, और हास का मतलब होता है घटनाएं, घटनाएं या इवेंट, वह घटनाएं जो पास्ट में बीत चुकी है, जो पास्ट में व्यतीत हो चुकी है, उसी घटनाओं को अपन हिस्ट्री में कवर करते हैं। ठीक है, तो ये तो इसकी डेफिनेशन थी हिस्ट्री की। आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन एक आपके दिमाग में ये भी उठना चाहिए कि क्या सभी की सभी जो घटनाएं इतिहास में घटित हुई है या पास्ट में घटित हुई है उसे अपन हिस्ट्री में पढ़ते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसका आंसर ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारी की सारी घटनाएँ हिस्ट्री नहीं होती, केवल हम उसी घटना को हिस्ट्री में कंसिडर करते हैं जिसके हमें क्या मिलते हैं? अवशेष मिलते हैं। अवशेष के आधार पर ही अपन इतिहास पढ़ते हैं, अवशेष के आधार पर ही हमें पता लगता है कि पास्ट में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई है। ठीक है, तो इतिहास के सोर्सेस क्या होते हैं ये भी आपको मैं बता देता हूँ। अवशेष से हम पता लगाते हैं कि इतिहास में क्या क्या घटित हुई है। कुछ सिक्के होते हैं इतिहास के, ये सोर्सेस हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, कौन कौन से सोर्सेस हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में। ठीक है, तो उनमें सबसे पहले आता है दोस्तों, आपको याद रखना है, सबसे पहले आते हैं हमारे पुरातात्विक सोर्स, दूसरा है कुछ अभिलेख, अभिलेखों के आधार पर भी हमें बहुत सी जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा कि भारत में अभिलेखों का जो प्रचलन चला था, सम्राट अशोक एक मौर्य साम्राज्य का महान शासक आता है सम्राट अशोक, उसी के काल से अभिलेख जो लिखवा या अभिलेख को खुदवाना प्रारंभ किया गया था, और सबसे प्राचीन अभिलेख दोस्तों अशोक के अभिलेख को ही माना जाता है। तीसरे नंबर पे कुछ सिक्के आ जाते हैं, जैसे कि आपको पता होगा एक समुद्रगुप्त नाम का शासक होता है, गुप्त काल का महान शासक होता है वो भी, वो उसके टाइम के जो सिक्के हमें प्राप्त होते हैं और उन कॉइन्स के ऊपर हमें क्या मिलता है? वीणा वादन करते हुए तस्वीर छपा, उसकी तस्वीर मिलती है किसकी? समुद्रगुप्त की। तो इससे हमें ये पता लगता है कि उस काल में भी जो है वीणा जो वाद्य यंत्र था वो हुआ करता था, इसी के आधार पर अपन उसे डिसाइड करते हैं। अगले जो सोर्सेस होते हैं दोस्तों मूर्तियाँ, कई सारी मूर्तियाँ के भी आधार पर अपन, हमें हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये कुछ सोर्सेस थे हिस्ट्री के, ये मैंने आपको बताया।
अब आगे अपन बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में। भारतीय इतिहास की बात करें तो दोस्तों आपको याद रखना है, भारतीय इतिहास को अपन तीन भागों में डिवाइड करते हुए पढ़ते हैं। वो कौन कौन से तीन भाग है मैं आपको बता देता हूँ। पहला है दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास, पहला ही कौन सा हो जाता है, प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है। इसे एंशेंट हिस्ट्री इंग्लिश में अपन आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। दूसरा है मेरा मध्यकालीन भारत का इतिहास, और तीसरा है हमारा जो पोर्शन है उसे अपन डिवाइड करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास में, ठीक। तो अपन अध्ययन की सुविधा से भारतीय इतिहास को तीन भागों में डिवाइड करते हुए पढ़ते हैं। जैसा कि अगर प्राचीन भारत के इतिहास की बात करें तो दोस्तों अपन उस काल को प्राचीन भारत के इतिहास में कंसिडर करते हैं। सारा का सारा ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की जितनी भी घटनाएं हैं अपन उसे प्राचीन भारत में पढ़ते हैं, और कुछ ईसा मसीह के बाद की घटनाएं भी अपन उसे प्राचीन भारत में पढ़ते हैं। इनका अगर अपन काल निर्धारण की बात करें तो इनके अपन अगर डेटेस की बात करें तो देखिए दोस्तों प्राचीन भारत के इतिहास में जो डेट आपको याद रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता, वहीं अगर अपन मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत की बात करें तो यहाँ पर आपको डेट याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर से दोस्तों प्राचीन भारत के इतिहास को सब टॉपिक में फिर से अपन अध्ययन की सुविधा से, क्योंकि काफ़ी बड़ा पोर्शन होता है प्राचीन भारत के इतिहास का, अगर आपको मैं मोटा मोटा ये बताऊँ तो इसका जो टाइम पीरियड है ये दोस्तों आपको ये याद रखना है, इसका जो समय निर्धारण है कार्यकाल है इसका, ये अननोन पीरियड से लगभग कब तक चलता है, 712 एडी तक प्राचीन भारत के इतिहास को अपन कवर करते हैं। और जैसे ही दोस्तों अरब आक्रमण सबसे पहला भारत में कर लेगा कौन, मोहम्मद बिन कासिम, 712 एडी में इसे सफल भारत पर पहला मुस्लिम अटैक तो नहीं वो कहना चाहिए, इसे पहला सफल मुस्लिम अटैक बोला जाता है 712 एडी में, कौन करता है, मोहम्मद बिन कासिम। वहीं से अपन प्रवेश कर जाते हैं मध्यकालीन भारत में, और कहां तक चलते हैं तो आपको याद रखना है जब तक औरंगजेब की मृत्यु नहीं हो जाती, अर्थात 1707 एडी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, वहां तक अपन जो टाइम पीरियड है उसे मध्यकालीन भारत में पढ़ते हैं। और आधुनिक भारत की तो दोस्तों बात करेंगे कि तो यहाँ पर अपन सारे के सारे लेटर मुगल की बात करते हैं, उत्तर मुगल शासकों के बारे में अपन पढ़ते हैं, जो कि 1707 से लेकर हमारे भारत की आज़ादी तक 1947 तक सारा का सारा इतिहास अपन पढ़ते हैं भारतीय इतिहास के अंदर, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था आपको, प्राचीन भारत के इतिहास को अपन इसलिए तीन भागों में फिर से डिवाइड करके अपन पढ़ते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लंबा काफ़ी बड़ा टाइम पीरियड है, इसलिए इसको अपन डिवाइड करते हुए पढ़ते हैं। पहला है इसमें दोस्तों आपको याद रखना है प्रागैतिहासिक काल। दूसरा है इसका आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। और तीसरा हो जाता है हमारा ऐतिहासिक काल। इन तीन भागों में अपन डिवाइड करते हुए प्राचीन भारत इतिहास को पढ़ते हैं। वहीं अगर बात करते हैं इनके टाइम पीरियड की, काल निर्धारण की, फिर से दोस्तों इसको प्राग ऐतिहासिक काल को तीन पार्ट में डिवाइड करते हुए पढ़ते हैं क्योंकि दोस्तों इसका जो टाइम पीरियड है ये अननोन पीरियड से लेकर कहाँ तक चलता है, तो आपको याद रखना है ये दोस्तों चलता है टोटल पूरा 8000 BC तक, ठीक। तो इसको तीन भाग में कौन कौन से डिवाइड करते हुए पढ़ते हैं आपको मैं बता दूं, इसको अपन पहले मेजर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है पत्थरों के आधार पर, जब मनुष्य ने औजारों का इस्तेमाल जब पत्थरों से किया जाता था तो उस काल को अपन पाषाण काल बोलते थे, और जब मनुष्य तांबे का यूज़ करते हुए अपने औजार करेगा, मतलब मनुष्य के औजार किसके होंगे जब तांबे के होंगे, तो उसे अपन ताम्रकाल बोलते हैं,
ठीक है। अब पाषाण काल को भी दोस्तों आपको याद रखना है, इसे फिर से तीन भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है हमारा नवपाषाण काल। अब देखिए, इसको अपन ने डिवाइड किसके आधार पे किया था, प्राग ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल को, इनको अपन ने डिवाइड किया था दोस्तों लेखन के आधार पर, अर्थात जिस काल में हमें मनुष्य का लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं उस काल को अपन क्या बोलते हैं, उसके आधार पर अपन ने तीन भागों में डिवाइड किया गया था प्राचीन भारत के इतिहास को, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में। प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो है मनुष्य के कोई भी हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, केवल और केवल हम अवशेष के आधार पर ही डिसाइड करते हैं कि ऐसा भी समय भारत में था जब मनुष्य के पास कोई भी लिपि नहीं थी, कोई संस्कृति नहीं थी, कोई सभ्यता नहीं थी, वो काल को अपन प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं। वहीं बात करें अपन आद्य ऐतिहासिक काल की, तो आपको याद रखना है यहाँ पर हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर अपन दो सभ्यता भारत की मेनली पढ़ते हैं, एक वैदिक, इससे पहले वैदिक सभ्यता से पहले सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा है दोस्तों वैदिक सभ्यता। दो सभ्यताएं अपन भारत की पढ़ते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में, और इसकी ये विशेषता है आद्य ऐतिहासिक काल की कि इस काल में हमको लिखित साक्ष्य मिले हैं मनुष्य के, लेकिन उनको पढ़ने में हमें सफलता प्राप्त नहीं हुई है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी, भावचित्रात्मक थी। मतलब कहने का ये है कि मनुष्य ने चित्रों के आधार पर अपनी भाषाओं को समझाने का प्रयास करते थे उस समय, और उनकी जो भाषा चित्र के आधार पर क्या थी हमें ये जानकारी नहीं अभी तक हमने प्राप्त की है। वहीं बात करते हैं अपन अब ऐतिहासिक काल की, ठीक है। तो ऐतिहासिक काल में दोस्तों हमें लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और उनमें हमें पढ़ने में सफलता भी प्राप्त कर ली है। तो ये अपन ने तीन भागों में डिवाइड किया था, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल की। इनके टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड है अननोन पीरियड से लेकर इसका जो है 8000 BC तक के समय को अपन कंसीडर करते हैं पूरा पाषाण काल में। वही मध्य पाषाण काल की बात करेंगे दोस्तों तो ये 8000 BC से लेकर 4000 BC तक के जो समय होता है हमारा ये मध्य पाषाण काल में आता है, और नव पाषाण काल का जो समय आता है दोस्तों आपको याद रखना है 4000 BC से लेकर कितना 2500 BC तक का जो समय अपन कंसीडर करते हैं वो नवपाषाण काल में करते हैं, ठीक है। वहीं बात करते हैं अपन आद्य ऐतिहासिक काल की, तो आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक पीरियड अपन इस काल में पढ़ते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है ये 2500 BC से लेकर कहाँ तक चलता है, 600 BC तक के समय को अपन आद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं। जैसे ही दोस्तों 600 BC में क्या होगा, लोहे का आविष्कार भारत में हो जाएगा और अपन कहाँ प्रवेश कर जाएंगे, 600 BC से 712 AD तक ये अपन पढ़ते हैं ऐतिहासिक पीरियड में। तो ये दोस्तों ओवरव्यू था एक प्राचीन भारत के इतिहास को, अपन इन सभी को डिटेल में अध्ययन करेंगे जब हम प्राचीन भारत के इतिहास को कवर करेंगे। तो आगे चलते बात करते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास की। तो दोस्तों मध्यकालीन भारत में भी आप दो सल्तनत, दो वंशों या दो राजवंशों को पढ़ते हैं, एक का नाम है दिल्ली सल्तनत, एक को क्या बोलते हैं आपको याद रखना है दिल्ली सल्तनत, और दूसरी को अपन बोलते हैं क्या, मुगल काल। तो दो भागों में डिवाइड करते हुए पूरा का पूरा मध्यकालीन भारत पढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत में बेसिकली दोस्तों हम उनकी वंशावली की बात करें तो ये आपको पता होगा जब मोहम्मद बिन कासिम के बाद दूसरा जो भारत पर आक्रमणकारी आता है वो कौन आता है, मोहम्मद गौरी आता है, उसी का एक गुलाम रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, और वो दिल्ली सल्तनत अर्थात दिल्ली पर सल्तनत काल की स्थापना करता है, और सबसे पहला ही वंश दिल्ली सल्तनत का हो जाता है कौन सा, गुलाम वंश। इसके बाद दोस्तों खिलजी लोग ने भी दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, दूसरा वंश हो जाता है दिल्ली सल्तनत का कौन सा वंश, खिलजी वंश। तीसरे की बात करें तो आपको याद रखना है तीसरा वंश हो जाता है अपना कौन सा, तुगलक वंश, तुगलक
वंस, ठीक है। अगर आपको नोट्स बनाना है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो कॉपी पेन से आप लिख भी सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चौथा वंश आता है दोस्तों तुगलक वंश के बाद, चौथा जो दिल्ली सल्तनत पर शासन करता है वो कौन सा है, वो है सैयद वंश। सैयद वंश के बाद जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश आएगा और ये पांचवा वंश होता है दिल्ली सल्तनत का, वो कौन सा होता है, लोधी वंश, ठीक है। तो ये सारे के सारे अपन दिल्ली सल्तनत में इन पांचों वंशों को कवर करते हैं। और जैसे ही दोस्तों मुगल काल का एक महान शासक या महान बोलना चाहिए एक सेनापति रहता है बेसिकली, वो भी लोधी वंश में, उसका नाम है क्या, बाबर। बाबर जैसे ही भारत में 1526 में आएगा, अंतिम जो लोधी वंश का अंतिम शासक जो था इब्राहिम लोधी, उसको पराजित करेगा और दिल्ली पर मुगल वंश की स्थापना कर देगा। तो पहला मुगल काल का जो शासक होता है वो कौन सा होता है, वो बाबर होता है। दूसरा दोस्तों बाबर के बाद आता है हुमायूं, हुमायूं के बाद आता है अकबर महान, ठीक है। अकबर महान के बाद इसी का पुत्र क्या रहता है हमारा, जहांगीर उर्फ सलीम भी इसे बोलते हैं, ठीक है। जहांगीर के बाद दोस्तों आपको जो फेमस नाम है याद तो होगा ही, जिसने आगरा के ताजमहल का निर्माण किया था अपनी वाइफ के लिए, वो कौन है, तो आपको याद रखना है शाहजहां। शाहजहां के बाद दोस्तों अपन इसमें पढ़ते हैं औरंगजेब को, जो मुगल साम्राज्य का जो अंतिम महान शासक औरंगजेब और सबसे शक्तिशाली शासक, और बोलना चाहिए औरंगजेब के समय ही जो मुगल काल का सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है कौन, औरंगजेब। तो ये छह जो मुगल शासकों के बारे में अपन मध्यकालीन भारत में पढ़ते हैं, और इनके बाद के जो मुगल शासक होते हैं दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा दुर्लभ होते, ज़्यादा काम नहीं करते, बोलना चाहिए काफ़ी ज़्यादा वो अयोग्य होते हैं। इसके कारण ज़्यादा समय तक वो मुगल काल को नहीं चला पाते और धीरे धीरे मुगल काल डिक्लाइन हो जाता है। वहीं भारत में, आधुनिक भारत में अपन पढ़ते हैं अंग्रेजों के बारे में। जब भारत में प्रवेश करेंगे अंग्रेज तो अपन कहाँ प्रवेश कर जाएंगे, मध्य आधुनिक भारत में या मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू था भारतीय इतिहास का, इन सभी को अपन एक एक करके उठाएंगे, जैसे प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ये सारा का सारा सिलेबस मैं आपको इस अपने इस यूट्यूब चैनल पर तैयारी अप टू सक्सेस के जरिए मैं कराने का प्रयास करूंगा, और ये आपको कहाँ कहाँ कवर आएगा, NTPC ग्रुप डी SSC और रेलवे के एग्ज़ाम में। यहाँ से दोस्तों 5 नंबर का क्वेश्चन जो है आने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है, इसलिए अपन सबसे पहले उठाएंगे किसे, प्राचीन भारत को। कल से अपन स्टार्ट करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास को। आज के लिए आज के वीडियो में इतना ही रख देते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और जो नीचे रेड कलर का जो बटन दिख रहा है ना सब्सक्राइबर का, उसे सब्सक्राइब कर देना, और साइड में दोस्तों ऐसा घंटा का बटन आएगा, घंटा वाला, इसे दबाना ना भूलना। जिससे क्या होता है दोस्तों, घंटी के बटन दबाने से होता है जब भी मैं अगर वीडियो अगर अपलोड करता हूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाता है, और इसमें आपका क्या फ़ायदा होता है कि आपको समय पर वीडियो मिल जाती है और अच्छे से तैयारी पूर्ण हो जाती है। तो ठीक है दोस्तों,